अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है एक ऐसा मसाला जो आपको दही भल्लों में या दही बड़ों में या फिर पकौड़े में या ऐसे कबाब में आप किसी भी चीज में डालेंगे उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये मसाले को बनाना। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 10 से 12 साबुत लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 7 से 8 लौंग लिए। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और इसे पीस लेंगे। जब ये सारी चीजें पीस जाएंगी फिर हम इसमें ये पाउडर मसाले मिलाएंगे। तो गैस पर हमने एक पैन को गर्म कर लिया है, ये मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे। मसाले को यहाँ ज्यादा नहीं भूनेंगे, कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अगर ये मसाला ज्यादा भुनेगा तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, तो हमें इसका कलर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डार्क ना हो। तो ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसे पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये मसाला बनकर तैयार है। अब इसे हम एक एयर टाइट जार में भर कर रख लेंगे, जार साफ हो और सूखा हो। ये मसाला तैयार है, अब हम बना लेंगे ग्रीन चटनी। हरी चटनी तैयार करने के लिए 1 कप हरा धनिया और 1/2 कप पुदीना। पुदीना हम यहाँ थोड़ा सा कम लेंगे, अगर हम पुदीना हरा धनिया के बराबर लेंगे तो चटनी थोड़ी काली हो जाती है। तो यहाँ इसे हरा ही रखने के लिए पुदीना आप थोड़ा सा कम डालें। और 4 से 5 साबुत हरी मिर्च लेंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 3 लहसुन की कलियां ली हैं, इन्हें हमने छील लिया है। 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफेद नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा लेंगे। तो ये सारी चीजों को हम पीस लेते हैं। तो जार में डालेंगे पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक। तो ये सारी चीजों को हम पीस लेंगे। तो ये चटनी को हमने पीस लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। स्पेशल मसाला और हरी चटनी बनकर तैयार है। आप इस मसाले को रमजानों में पहले से बनाकर रख लें। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।